अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। कोई सरकारी अधिकारी का साइन नहीं है, ये गजरा प्रबंधक है, अपने खड़े हैं, अपने लोग हां मेरे अंदर भी है, ये बगैर उसके बगैर नाइट ड्यूटी करे ना, नाइट ड्यूटी करे जबकि श्रम पदाधिकारी के यहाँ ये डिसीजन लिया था कि यथास्थिति, मतलब आप कोई तालाबंदी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, सिस्टम से हम लीगल स्ट्राइक मतलब आंदोलन कर रहे हैं, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वो श्रम पदाधिकारी सारे कानून को ताक में रखते हुए दादागिरी द्वारा बलपूर्वक लगा दिया और न्याय प्रशासन बुलाया, ताला लगाया, जब से ताला लगा नाइट वाले मनोज भैया से दिन में मेरी बात भी हुई, उनने सबको फोन भी लगाया था, आज उस संबंध में कलेक्टर महोदय के यहाँ 5 बजे मीटिंग भी रखी थी। किस किस को बुलाया उन्होंने? मैनेजमेंट का रहेगा, मैनेजमेंट का रहेगा, हेल्थ है और सेफ्टी वाले भी जाएंगे, ये सभी जाएंगे और 2-3 दिन बाद में तो अब देखते हैं भैया, ये मतलब कितनी गुंडागिरी दादागिरी। एक मेरा अनुरोध है अपने को 5 बजे मेरे को खबर लगी तो मक्सी के पर दौरा चल रहा था, रास्ता हुआ आया तो अपने को 5 बजे क्या बोलते हैं, देखो अपन जब उससे बात करें कलेक्टर और मैनेजमेंट अपना पक्ष बहुत विधिवत ढंग से रखना, हम गुंडे नहीं है, आप सुनो जो भाषा अपनी निकलना चाहिए वो एक बिल्कुल सतर्कता से अपनी बात रखना, ये हमारा अधिकार है, संविधान प्रदत्त अधिकार है कि हमको वाजिब मांगों के लिए मैनेजमेंट से ये बात हो चुकी है कि वाजिब मांगों के लिए आप आंदोलन कर सकते हो, हमने पूरी बात मान के करी, ये बहुत बड़ा अपराध है कि 150 लोगों को आपने बंधक बनाया, ये मतलब ना इस पर तो कलेक्टर साहब निर्णय दीजिए कि क्या ये इनकी मानवीय संवेदनाएं मर गई है क्या, मैनेजमेंट की क्या पैसे ही खाएंगे, हम लोग श्रम करते हैं, पूरा श्रम करके महंगाई के इस युग में 6,500 एक परिवार के काट लेना, बच्चों की फीस भरना, ये करना, पहली महंगाई इतनी हो गई कि 6,500 हमारे ज़्यादा ठीक है भैया, ये भैया वेतन पहले हमेशा होते आ रहे हैं, मतलब 6-7 महीने हो गए, बार बार निवेदन करने के बावजूद ये कोई सकारात्मक जवाब नहीं है, जिसके बाद लाख प्रयास करने के बावजूद इनने उसमें कुछ भी सकारात्मक कदम नहीं उठाए, उसकी सूचना अपन शासन प्रशासन श्रम विभाग सबको दे चुके हैं, तो उसके लिए हमने बोल दिया था हम लीगल आंदोलन करेंगे, जो हमारा अधिकार है आप छीन नहीं सकते, हमारा पैसा हमको देना पड़ेगा, नहीं तो हम आंदोलन, उसकी लिखित में सूचित जो नियम से होती है वो हमने पूरी करी। इनने श्रम पदाधिकारी के यहाँ मीटिंग रखी और मीटिंग में ये बोला, उसके पहले एक बात ये होगी कि इनने पिछले महीने की जून की 7 तारीख को पेमेंट होती है, 10 तारीख को डाली रात को 10 बजे हाँ 10 जून को, उसमें से किसी के 5.5 से 6,000 समथिंग सभी श्रमिक साथियों उनके काट दिए बगैर सूचना, बिना सूचना को मालूम ना किसी को नहीं मालूम, काटे खाएंगे अभी बता रहे हो, काम कम कर रहे बाद ये सभी सुबह वहाँ इकट्ठा हो गए और सबने पूछना चाहा कि भैया हमारा पैसा किस लिए काटा, तो जीएम साहब 10 बजे के समथिंग आए, मैं सेठ से पूछ के बताता हूँ, जिसके बाद आज तक नहीं आया जीएम साहब अमिताभ तिवारी जी है, और जिसके बाद श्रम पदाधिकारी के यहाँ एक मीटिंग रखी, उसमें अब ये कोई नहीं आया तो ये तो भैया जवाब तो चाहिए, पैसा कटा है मेहनत का पैसा है, जब तक आप जवाब नहीं दोगे हम हमारी जगह हम हमारा आंदोलन करेंगे, आंदोलन चार वो श्रम पदाधिकारी यहाँ मीटिंग हुई तो उनने बोला कि इसके पास पैसे नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं, 650 ज्यादा नहीं दे सकता, जबकि पिछला समझौता 7,500 का हुआ है, तो हमने उसके ऊपर तो आपको देने ही पहले हिसाब देते आ रहो, तो क्या नहीं है पैसे तो नहीं है, तो जब आप इस पे सकारात्मक डिसीजन को ले आएंगे उसके बाद हम चर्चा करेंगे, जब तक ये स्थिति है वो यथावत रहेगी, हमारा आदमी अंदर जाएगा, अंदर शांतिपूर्वक आंदोलन करेगा, बिल्कुल तो इनने उस चीज को एक्सेप्ट करा,
ठीक है हाँ ठीक है, आप अंदर जा रहे हो, आप काम बने मत करना, जब तक अपना विवाद सुलझ जाएगा आप काम पे लग जाना। उसके अगेंस्ट चलते हुए इनने क्या करा, कल हमारे नाइट में 200-150 आदमी अंदर ही है, अंदर ही है। हमारी बात ये है, हमने आपके सामने फिर क्या बोलते हैं, बहुत शांति से डिस्टर्ब मत कर दे। आप सबकी तनख्वाह 30,000 ऊपर किसी की नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ 6,500 साल होता है, 40 साल वाले भी है इस फैक्ट्री से, 4 फैक्ट्री बहुत तर्क संगत बात रखना, बात करो परफेक्ट बात कर, क्या एकदम वो जाता है कलेक्टर रहेगा मैनेजमेंट रहेगा, क्या बोलते हैं उसको ऊपर से फिर अपना जवाब, फिर थोड़ी केस में आना पड़े तब आना, कैसे मत आना। हम लोग पास में मेरी मीटिंग है अभी जिला पंचायत में, नहीं जा रहा आप फोन पे रकम बता रहे, लेकिन अभी शांतिपूर्वक, सबसे बड़ा अपराध है ये मानव बंधक बनाकर बाहर जो है यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है, क्या मांगे आपकी और ये तालाबंदी किसके द्वारा की गई है? हमारी मांगे वेतन वृद्धि समझौता के लिए है, और ये समय सीमा से हम लोग मांग पत्र देने के बाद भी प्रबंधन इसके तरफ सकारात्मक सहयोग नहीं दे रहा है, और इसके उपरांत हमने सभी विधिवत कार्रवाई की है, और विधिवत कार्रवाई के बाद में हम वैध हड़ताल के रूप में बैठे हैं, सूचना दे के बैठे हैं, और जो समय सीमा रहती है 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना चाहिए प्रबंधन को और लेबर डिपार्टमेंट सभी को, यहाँ के प्रशासन को, सब जगह हमने 6 सप्ताह दिया, 14 दिन बाद भी दिए, और उसके बाद में हमने इनको ध्यानाकर्षण चेतावनी ऐसे सभी पत्र देने के उपरांत हम लोग हमारी मांग पूरी नहीं होने पे, और जब इनने अनुचित तरीके से पेमेंट काट लिया और पूछने लगे ये नहीं बताने लगे, कोई जवाब नहीं दिया गया, तो फिर सब श्रमिक अपने कानूनी तरीके से हड़ताल पर बैठ। अच्छा, आप बाहर अंदर क्या चल रहा है कारखाने में? कारखाने में जो तृतीय पाली वाले जो नियमित अपने आते थे नाइट पाली वाले, वो लोग आए हैं पूरी शिफ्ट के शिफ्ट, और यहाँ पे इनने हमारी हड़ताल को अवैध बताते हुए, जो वैध है उसको अवैध बताते हुए तालाबंदी की है, तालाबंदी भी किया तो तालाबंदी पे इनके पास में कोई ऑर्डर नहीं है। आपको आने नहीं दिया जा रहा है? नहीं आने दिया जा रहा है। कारण क्या है? कारण मनमानी है। और वो जो लोग नाइट शिफ्ट के अंदर है पाली के, वो कैसे बाहर आएंगे? वो बाहर से ताला खुलेगा, ये अंदर जाएंगे प्रबंधन, और ये तालाबंदी बंद कर दे और हम लोग अंदर हो जाए हमारी शिफ्ट। श्रम विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से आपकी कोई चर्चा हुई है? चर्चा हुई, बराबर चर्चा हुई। क्या है उन्होंने बोला? श्रम विभाग के जो चर्चा हुई थी उस विषय में हमारे पास प्रबंधन और दोनों यूनियन के लोग हम वहाँ उपस्थित थे, उसके बाद एक अंतिम निर्णय निकला था कि आप लोग कानून के खिलाफ कोई काम नहीं करोगे, यथास्थिति बनी रहेगी, यानी हम लोग जो हड़ताल कर रहे हैं वो हड़ताल नियमित चलेगी। एक और बात सामने आई थी कि श्रम विभाग द्वारा वो नहीं दिन आज तक, उसमें कंपनी का कहना है कि उनको लॉस है और आपका कहना है कि वो प्रॉफिट में, प्रॉफिट में, तो अभी तक क्या वो बात हो पाई? नहीं, उन्हें सीटी नहीं दी ना, जो बैलेंस शीट नहीं दिया, देना चाहिए था, वो पूरे दस्तावेज हमको नहीं दिए हैं, बैलेंस शीट नहीं दी, और हमने इनको बोनस का भी केस लगाया है, जो पिछले बार कानून के खिलाफ बोनस दिया है उसमें हमको बैलेंस शीट दिया, और बैलेंस शीट में फायदा का उसमें विवरण है। कांग्रेस से, कांग्रेस से आए थे तमाम दोनों ही दलों, कांग्रेस की ओर क्या आश्वासन उनके द्वारा दिया गया? अभी मध्यस्थता करके वो समस्या का निराकरण करने के लिए प्रयास करने की कोशिश बता रहे हैं, और आगे जैसे भी मध्यस्थता वो करते हैं, जो हमको उनको सहयोग मिलना चाहिए, हम नियमानुसार प्रबंधन का भी सहयोग करते हैं, बाहर के जो आते हैं उनका भी है। लेकिन अभी हमारे विधायक जी राजे जी आई थी, उन्होंने हमको पूरा आश्वासन दिया, हमसे मुद्दे भी लिख के ले गए हैं, आज इन्होंने बोला कि मैं गौतम साहब से मालिक से बात करूँ, क्योंकि मैनेजमेंट तो बाहर भाग रही है, तो गौतम से ही बात होगी, सेठ से तुमने हमको आश्वासन दिया है कि हम बात करके आपके 2-4 प्रतिनिधि, आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, जारी रहेगा। अगर आपको फैक्ट्री नहीं चलाना था, हमारा हिसाब कर दो, जो बंदा तो जो आपके साथी है जो अंदर है नाइट पाली के, वो बाहर कैसे आएंगे? वो अंदर ही रहेंगे। अच्छा, अगला तालाबंदी हटेगा तो बाहर आएंगे नियम से, ये तालाबंदी प्रबंधन हटाए, प्रशासन हटाए, जनप्रतिनिधियों के अभी मध्यस्थ गजरा गेट चौराहे के आप पहुंची थी, श्रमिक जो है हड़ताल पर है, उनका काफ़ी नाराज है प्रबंधन से, क्या कुछ मांगे उनकी, क्या बातचीत हुई आपके बीच? देखिए, हड़ताल
पर श्रमिक तभी बैठता है जब वो नाराज होता है, और जब हड़ताल पे बैठे हैं यहाँ पर, तो इनकी बात, इनका पहलू समझने के लिए मैं यहाँ आई थी कि पहले मैं इनकी बात समझूं। उन लोगों से मैंने बात करके जो मुख्य बिंदु हैं वो मैंने नोट कर लिए हैं। इनका कहना है कि जो अधिकारी यहाँ पर हैं वो इनको संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए मेरी कोशिश रहेगा कि उच्च जो इनके मालिक हैं, अधिकारी हैं, उनसे बात की जाए, क्योंकि ये बात ऐसी है कि अगर इसको अभी नहीं संभाला है तो बढ़ेगी। हमारे श्रमिक भाइयों का भी नुकसान है, कंपनी का भी नुकसान है, और पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं इन लोगों के साथ, दोनों पक्षों को साथ में बिठाकर एक निराकरण निकाल सके, ताकि कंपनी भी सुचारू रूप से चलती रहे, बहुत पुरानी कंपनी है, और मेरे श्रमिक भाइयों का भी नुकसान ना हो, उनकी रोजी रोटी चलती रहे, उनके लिए ये कंपनी यानी उनकी रोजी रोटी है। जैसा कि वेतन वृद्धि समझौता जो हुआ था कंपनी प्रबंधन और श्रमिकों के बीच, उस पर अमल न करते हुए जून माह का इनका वेतन तक काट लिया गया, इसलिए एक बड़ा आक्रोश। मुझे बताया कि वेतन भी काटा है और उस पर चर्चा भी नहीं हुई है, जो मेरी समझ में आया कि दोनों के बीच में बिल्कुल भी तालमेल नहीं है, संवाद नहीं है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि श्रमिकों और कंपनी के बीच में मैं संवाद स्थापित कर सकूं, ताकि इसका कुछ निराकरण। औद्योगिक नगरी देवास मध्य प्रदेश में प्रमुख नगरी है, यहाँ पर लगातार पूर्व में भी कई कुछ व्यवस्था। देखिए, कंपनी मालिक के विवेक पे है कि वो कंपनी चलाना चाहता है या बंद करना चाहता है, पर उसमें उसके श्रमिकों का नुकसान हो ये हमें भी बर्दाश्त नहीं है। हमारा हमेशा से कोशिश रहती है कि हमारे श्रमिक भाई, जिनकी वो कंपनी रोजी रोटी है, वो उनको रोजी रोटी मिलती रहे, ताकि उनके घर चलते हैं, इतने हजारों लोगों के घर चलते हैं, तो उसके लिए प्राथमिकता ये रहेगी हमारी कि श्रमिकों के अधिकार को देखते हुए इसका निराकरण किया। अभी आपकी ओर से क्या आश्वासन दिया गया है किस अधिकारी से बात की? जो संवाद की कमी है दोनों के बीच में, उस संवाद को मैं बनाने की कोशिश करके इसका निराकरण करने के लिए पूरी कोशिश करूँगी।